हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नई एडवर्टीजमेंट आई है, तो उसमें जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF की जो है 9 वैकेंसीज है। तो इसमें जनरल की 5, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश 1, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश 2 और जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश 1 वैकेंसी है। तो लास्ट फॉर्म फिलअप डेट है 29 नवंबर। तो एज लिमिट है 35 ईयर्स एंड बिलो। तो अपर एज रिलैक्सेशन भी है 42 ईयर्स, जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। बात इसेंशियल क्वालिफिकेशन की करें तो कैंडिडेट के पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट साइंस और इंजीनियरिंग में, विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इनमें से कोई सा सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है नंबर ऑफ चांसेस। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है 6 चांसेस है ACF का फॉर्म फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है, हाइट, चेस्ट कैपेसिटी टू वॉक। इसमें जो है प्री एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस, उसके बाद जो है फिजिकल एग्ज़ाम होगा। तो उसमें जो है आपकी वो होगी वॉक होगी 25 किलोमीटर 4 आवर के लिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर 4 आवर्स। फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद देखते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट ही आपके लिए ज़रूरी है इंटरव्यू से पहले। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है प्री एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में जो है आपको हिमाचल प्रदेश जीके आएगी 30 मार्क्स की, जीके जो आएगी नेशनल लेवल की, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, वो 40 मार्क्स की, और करंट अफेयर 30 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम से जो है 20 टाइम जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए। तो मेंस से जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 5 टाइम्स। प्री में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट है रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो है आपके पास 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे और 2 है जो है ऑप्शनल पेपर्स होंगे। तो कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है एक जनरल नॉलेज का, सेकंड है जनरल इंग्लिश का, थर्ड है हिंदी का। उसके बाद जो है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने हैं 2 ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के आपको दिए गए हैं ऑप्शन, ऑप्शनल जो है 200 मार्क्स के होंगे। उसके बाद रहता है आपको कि जो ऑप्शन के आपको ऑप्शन दिए गए थे तो इनमें से जो है कोई भी सेम नहीं होने चाहिए 2। लास्ट में आपका रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो है 3 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और 100 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।